हेलो दोस्तों, मैं यश और मार्वल का फेज 4 एंड हो चुका है और इसीलिए आज का ये वीडियो मार्वल का फेज 4 के ऊपर है कि ये फेज अच्छा था या बुरा या फिर एकदम एवरेज था, क्योंकि जो फेज 3 था ना वो बहुत ही ज्यादा औसम था। तो चलो भाई, मार्वल के फेज 4 की बिचिंग करने से पहले आपको इस वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ, द गुड एंड द बैड अबाउट मार्वल फेज 4। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको कर दीजिए। बस यही एक चीज चाहता हूँ आप लोगों से और कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो चालू करते हैं। तो मार्वल के फेज 4 की स्टार्टिंग हुई थी ब्लैक विडो से और मार्वल का जो फेज 3 था उसकी एंडिंग हुई थी एंड गेम से। तो एंड गेम देखने के बाद पब्लिक बहुत ही ज्यादा पागल हो गई थी और एमसीयू के अगले प्रोजेक्ट का वेट कर रही थी। मगर फेज 4 चालू होने के बाद ब्लैक विडो आई ना, तब सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये तो टट्टी है। क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम बहुत ही ज्यादा तबाही मूवी थी, इसलिए पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा हाई हो गई थी। और मार्वल के फेज 4 की स्टार्टिंग ब्लैक विडो से हुई और एंडिंग हुई ब्लैक पैंथर से। अब मुझे ब्लैक पैंथर तो एकदम मस्त लगी, मगर ब्लैक विडो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा घटिया थी। तो अगर अपन फेज 4 की वर्स्ट सीरीज के बारे में बात करें तो वो रहेगी, तो मैं दो सीरीज में कंफ्यूज्ड हूँ, शी हल्क को लूं या फिर हॉकाय को, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगी और उसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं बना मेरा। तो आपको इन दोनों में से कौन सी सीरीज ज्यादा बोरिंग लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर फेज 4 की बेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो वो डेफिनेटली लोकी और मून नाइट को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि लोकी में तो हमें अच्छे से पूरा मल्टीवर्स और टाइमलाइन और जो भी टाइम के आजू बाजू की चीजें हैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करी और हमें कैंग का फर्स्ट वेरियंट उसमें ही दिखाया गया जिसका नाम था ही हू रिमेन्स, और हमें वेरियंट्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है ये वाली सीरीज। और अगर मून नाइट की बात करें तो मून नाइट एक बहुत ही ज्यादा ऑसम कैरेक्टर है जो गॉड्स की पावर होल्ड करता है और उसका मेंटर खुद गॉड है। मून नाइट में हमें अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं और स्टोरी लाइन भी काफी तगड़ी है। और वहीं दूसरे साइड लोकी में हमें बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है जिससे बहुत सारे लोग सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों सीरीज में से कौन सी अच्छी लगी। मुझे तो पर्सनली लोकी अच्छी लगी। और अगर हम ब्लैक विडो की बात करें तो ब्लैक विडो में एंडिंग में जेंडर चेंज कर देना मुझे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डिसीजन लगा, क्योंकि भाई उसका पूरा कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कोई लड़का ही होगा, कोई लड़की ऐसा नहीं करती है। एंडिंग में इतना भोला सा चेहरा हमारे सामने आ गया जिसकी वजह से सारा मूड खराब हो गया ऑडियंस का। तो अब अपन जरा बात कर लेते हैं शैंग-ची के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं शैंग-ची अच्छी लगी उनको या बुरी, क्योंकि वीएफएक्स के मामले में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है और स्टोरी भी शैंग-ची की अच्छी है भाई, ऐसा नहीं कि कोई घिसी पिटी स्टोरी लाइन है। और तो और मार्वल का पहला कुंफू कराटे वाला बंदा हमें देखने मिला जिसमें जब शैंग-ची ट्रेन हो रहा था मुझे फुल कुंफू हसल वाली वाइब आ रही थी, पता नहीं उसकी याद क्यों आ रही थी मगर आ रही थी। अब अगर एटर्नल्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एटर्नल्स का CGI एकदम टॉप लेवल का लगा, मगर अगर दूसरी तरफ उसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो वो बहुत ही घटिया थी। बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे एटर्नल्स को लेके, मगर मैं तो उसको एक डिसेंट मूवी मानता हूँ। मुझे ना ही इतनी ज्यादा बुरी लगी और ना ही इतनी ज्यादा ऑसम लगी। और हमें थोड़ा सेलेस्टियल्स के बारे में भी जानने को मिला इस मूवी के अंदर, और सच्ची बताऊं तो इसी वजह से मैं मूवी को देख भी रहा था, क्योंकि नए कैरेक्टर्स किसको नहीं पसंद यार, जो कि कॉस्मिक लेवल की पावर्स होल्ड करते हैं। और पूरे फेज 4 की सबसे ज्यादा भाई मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम तो हर मार्वल फैन को पसंद आई होगी, और यहाँ तक मार्वल की कुछ पर्सनल फेवरेट मूवीज में से एक स्पाइडरमैन नो वे होम को भी मैं रखता हूँ। मैं तो भाई बचपन से चाह रहा था काश ये 3 स्पाइडरमैन एक ही मूवी में हमें देखने मिल जाते, और बड़े होकर मेरी ख्वाहिश ये पूरी कर दी, जिसकी वजह से मैं तो बहुत खुश हूँ यार। चलो लोकी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। लोकी में हमें वेरियंट्स को एकदम अच्छे से दिखाया गया, यहाँ तक कि एक क्रोकोडाइल वेरियंट भी था लोकी का, और तो और हमें इसमें कैंग के वेरियंट्स भी दिखाए, और कैंग का बहुत ज्यादा पावरफुल वेरिएंट है ही हू रिमेन्स। और आपको तो पता ही है एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया का ट्रेलर ऑलरेडी आउट हो चुका है जिसमें हमें कैंग को भी दिखाया गया है, और वो बहुत ही ज्यादा ईविल लग रहा है मुझे। तो बस भाई एंटमैन के लिए प्रे करूंगा और कुछ नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें तो ये मूवी बहुत कुछ कर सकती थी अपने अंदर, मगर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी फैंस को, यहाँ तक कि मुझे भी, क्योंकि इल्यूमिनाटी तो शायद गिन के 5 मिनट तक टिके होंगे, नहीं तो वांडा तो उनको आराम से पेल गई। और ये मुझे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी बहुत
ज्यादा चीजें दिखाने की पोटेंशियल थी, क्योंकि पूरा मल्टीवर्स आपके पास था दिखाने के लिए। अब भाई राइटर्स ने भी कुछ सोच के किया होगा, अपन कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते इसके मामले में। और यही सेम चीज इन लोग ने थॉर लव एंड थंडर में भी की है। थॉर लव एंड थंडर में तो भाई थॉर ऐसा लग रहा था खाली बच्चों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। सच्ची बताओ तो थॉर को भी इन्होंने एक मजनू बनाकर छोड़ दिया यार। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी थॉर लव एंड थंडर देखने के बाद, क्योंकि जब ये सारी मूवीज इंट्रोड्यूस हो रही थी ना, तब मैं तो एकदम ही पागल हो गया था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थॉर लव एंड थंडर जब आया, तब तो भाई मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, ये का बवासीर बना दिया हो। चलो भाई अब थोड़ा ब्लैक पैंथर के बारे में भी बात करते हैं। ब्लैक पैंथर में हमें एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सुपर हीरो देखने मिला जिसका नाम था नेमोर। अब राइटर्स तो ऐसा कह रहे हैं कि नेमोर थॉर और कैप्टन मार्वल जितना पावरफुल है, अगर वो पानी के आसपास रहेगा तब तो वो हल्क जितना भी पावरफुल है। तो पर्सनली भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ कि थॉर ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो भाई अगर फेस 4 की सबसे ज्यादा अंडररेटेड सीरीज के बारे में बात करें ना, तो वो है मिस मार्वल। अब मिस मार्वल मुझे तो एकदम डिसेंट सीरीज लगी, यहाँ तक कि हॉकआई से तो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उसमें एक तो स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी थी और विजुअल्स भी काफी ज्यादा क्लियर थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और तो हमें फुल गांव वाली वाइब भी आ रही थी बीच बीच में, जिसको देखने में थोड़ा सुकून तो मिल रहा था। और इसमें एक दो इंडियन कैरेक्टर्स भी हैं। तो चलिए फेज 4 के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, अब थोड़ी सी बातें फेज 5 के बारे में भी कर लेते हैं। फेज 5 की स्टार्टिंग की मूवी ही है एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया, जिसमें कैंग द कॉन्करर बहुत तबाही मचाने वाला है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हमें फेज 5 में सीक्रेट इन्वेजन और सीक्रेट वॉर्स भी देखने मिलेगी, और यहाँ तक कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी भी देखने मिलेगी। भाई मैं तो खुशी के मारे फिर से पागल होने लग गया हूँ। अब बस भाई राइटर्स से मेरी एक ही विनती है कि हग मत देना, क्योंकि इसमें लिटरली, और यही था मिस्टर मूवी की तरफ से, द गुड एंड द बैड अबाउट मार्वल फेज 4। तो मेरे ख्याल से फेज 4 था एक फॉर्मेशन फेज, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे, और आपको तो पता ही है बिना इंट्रोड्यूस कराए भिड़ा तो नहीं सकते ना इन लोग को, इसीलिए इन लोग को खाली इंट्रोड्यूस करा रहे थे पहले, बाद में अगले फेज में हमें इनकी लड़ाई दिखाई जाएगी, तब आएगी असली मजा। तो चलिए मेरे भाई अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो यहीं एंड कर देता हूं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो अभी करो ना यार। तो चलिए मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।